ये स्पेसिफिक पर्पस क्या है यहाँ आने का? देखिए साजिद खान जी, जिस तरह से एक स्पेशल शो इन्होंने एक बनाया है, इस एपिसोड पूरी हम शकल्स की थीम के ऊपर है। एंड हम शकल्स की थीम है क्या? एंटरटेन होइए, अपने फैमिली के साथ जाइए, और लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, हंसिए, एंजॉय कीजिए। इसका म्यूज़िक ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो रहा है, कॉलर ट्यून गाने सबके कॉलर ट्यून्स पे आ चुके हैं, पिया के बाज़ार बहुत ज़्यादा रंग ला रहा है। तो एक एंटरटेनिंग शो है जो हम शकल्स की थीम में एक फ़न शो है, और साजिद खान जी जिस ब्रांड ऑफ कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ सैफ और रितेश के साथ एक बहुत अलग कॉम्बिनेशन है। पहली बार मैं काम कर रहा हूँ इनके साथ, साजिद भाई के साथ, सो इट्स कंप्लीट न्यू एक्सपीरियंस। और 20 जून को फिल्म धमाका मचाएगी, ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। इस म्यूजिक लॉन्च के दिन भी आप काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे थे, और खासकर कॉलर ट्यून जो गाना है उसको लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड थे, ऐसी क्या बात है कि इस फिल्म में म्यूजिक क्या? कॉलर ट्यून बहुत ही अलग, यंग, बहुत ही, देखिए हर साल मैं कुछ नया लाने की कोशिश करता हूँ, तो आज इतने सालों से 115 फिल्में हो गई, 600 सुपर हिट गाने हो गए, तो एवरी ईयर कुछ नया लाना। तो जिस तरह हुक्काबाद पिछले साल एक नया रंग था, एक्सपोज का रंग बिल्कुल ही नया, आइसक्रीम खाऊंगी और दर्द दिलों के कम हो जाते नया था, तो उसी तरह कॉलर ट्यून एक बिल्कुल वैसा हिमेश है जो आपने नहीं सुना। तो नया रंग लाना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, तो दैट इज़ समथिंग विच एक्साइट्स मी। एंड हर बार कुछ नया करना, और कॉलर ट्यून और हम शकल्स में साजिद भाई के साथ कुछ नया करने का मौका मुझे मिला, और वाशु बगनानी जी इज़ अ ग्रेट प्रोड्यूसर। लेकिन आपकी जो ब्रांड इमेज है, ज़्यादातर जो गाने होते हैं या ज़्यादातर जो झिझक नंबर होते हैं वैसी है, इस सारी कॉमेडी फिल्म में म्यूजिक देना कितना चैलेंजिंग होता है? नहीं, मैंने देखिए, आप अगर आप देखें तो मैंने बहुत सारी कॉमेडी फिल्मों में म्यूजिक दिया है और काफ़ी हिट रहा है। खिलाड़ी 786 कॉमेडी थी, तो हुक्का बार उसमें बहुत पॉपुलर था, या सलमान भाई के साथ हमने दुल्हन हम ले जाएंगे भी की है, डेविड धवन जी के जस्ट चिल जो मैंने प्यार क्यों किया आई थी तभी भी की है। तो हर किस्म की फिल्में मैं, तो अपनी 115 फिल्में जो मैंने की हैं उसमें कर चुका हूँ, और इन 600 गानों में जो मैंने अब तक दिए हैं उसमें से कम 100 गाने सुपरहिट कॉमेडी के हैं, एंटरटेनिंग है, डांस ट्रैक्स हैं। सो ऐसा नहीं है, हर किस्म का म्यूज़िक दे चुका हूँ। हाँ, कॉलर ट्यून एक बिल्कुल ही यंग, बहुत ही फ्रेश गाना है, बहुत ही ऐसा हिमेश है जो आपने नहीं सुना। तो अगेन इट्स एक चैलेंजिंग म्यूज़िक देना बहुत ही एक्साइट करता है एक आर्टिस्ट के लिए, और वही मुझे एक्साइट किया हम शकल्स में। काला ट्यून बेबी, काला ट्यून बेबी, मुझे अपनी बना ले काला ट्यून सोनी पा। ओ तुझे चाहो समर विंटर मानसून सोनिए पा 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 पा। तुझ सा हसी मैंने देखा ही नहीं, तेरी हर कदम में कोई जादू है, तेरे चेहरे का नूर मुझे देता है सुरूर, मेरा होश में भी दिल बेकाबू है, तू मेरा है नशा रम, तू मेरा है जुनून। पहला सवाल चंकी सर ये, कॉमेडी कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, हम शकल में ऐसा क्या खास कर रहे हैं आप जो एक्साइटेड दिख रहे हैं? अरे बाबा, मेरा नाम है करण टी बिजलानी, मैं एक सिंधी वाणबी गैंगस्टर है पिक्चर में, लंदन में रहता हूँ, और बिजलानी नाम इसलिए क्योंकि मैं लोगों को, और करंटी क्योंकि मैं लोगों को करंट दे के टॉर्चर करता हूँ। इनफैक्ट एक सैफ और एक रितेश पागल मेरी वजह से हो गए, मैंने उनको इतने करंट दिए, इतने शौक दिए कि पागल खाने पहुँच गए। थोड़ा सा विलन कैरेक्टर हूँ, लेकिन मजबूरी में मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे साथ जो हादसे होते पिक्चर में उससे देख के आपको हंसी आएगी। जो टाइप का रोल आप करते हैं वो कहीं से इंस्पिरेशन भी आपने? देखो जो भी मैं कैरेक्टर्स करता हूँ साजिद की फिल्मों में ना, साजिद ये कैरेक्टर्स कर चुका है ऑलरेडी टीवी पे, और ये सब साजिद के ऑल्टर ईगो है, जो साजिद खान रियल लाइफ में नहीं कर सकता वो चंकी पांडे को करवाता है। मेरा एक और सवाल है सर, लीड एक्टर आपने 80s में 90s में काफी फिल्में किया है, हाँ, तो एक लीड एक्टर को एक कॉमेडियन का अगर मिलता है, तो बाकी एक कॉमेडियन है तो वो सेटिस्फाइड लगता है या क्या खुशी मिलती है आपको? पागल हो गया तू, मैं कॉमेडियन थोड़ी हूं, मैं तो लीड एक्टर हूं पिक्चर का, ये अलग बात है कि मेरा फोटो नहीं है पोस्टर पे, लेकिन आई एम द हीरो ऑफ द फिल्म यार। और फिर साजिद खान के डायरेक्शन की बात करेंगे तो किस तरह के डायरेक्टर पाते हैं साजिद खान? तो मुझे लगता है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फिल्में बनाता है, उसकी जो डायरेक्शन है बहुत कम लोग उसके डायरेक्शन के नीचे काम कर सकते हैं, बिकॉज
वो जो लिखता है वो करता नहीं है, और जो सेट पे आता है और करता है वो कैमरा के सामने नहीं करता है. तो इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी फन वर्किंग विद हिम, बिकॉज वो हमेशा इम्प्रोवाइज करता है. जैसे कि अगर मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ तो वो वहाँ खड़े रह के बोल के अभी चक्की ये बोल दे, चक्की वो बोल दे, चक्की ये कर दे, वो कर दे. तो वो हमेशा सिचुएशन देख के बदलते रहता है, स्मॉल लाइक अ ड्रामा, वो ड्रामा क्रिएट करता है. और इसलिए मुझे लगता है उसकी फिल्में इतनी सक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ हिज इम्प्रोवाइजेशन. और रोल के लेंथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अगर किसी आर्टिस्ट का रोल कम है फिर भी अगर इन्फ्लुएंशियल है तो वो कितना? देखो जब आप कोई बड़ी फिल्म देखने जाते हैं, कोई भी फिल्म देखने जाते हैं, हिट पिक्चर देखने जाते हैं, तो आपको दो तीन सीन ही याद आते हैं. और वो फिल्म आपको हर, अगर आप कोई फिल्म देखो, अगर आप शोले भी देखो, तो आपको दो तीन अच्छे अच्छे सीन याद आएंगे. तो मैं समझता हूँ एज एन एक्टर, इवन इफ यू गेट वन गुड सीन इन अ फिल्म, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. साजिद के डायरेक्शन की अपनी तारीफ की, लेकिन साजिद की पिछली फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाई, तो वो पिक्चर का नाम हिम्मत वाला था, वो साजिद ने डायरेक्ट नहीं की थी, उसके हमशकल ने डायरेक्ट की थी. और इस बार हमशकल में तीन ट्रिपल रोल है उनका. हाँ, आप एक विलन कैरेक्टर है, तो कैसे, कितना डिफिकल्ट? मेरे भी ट्रिपल रोल है, मैं हूँ करंटी बिजलानी और मेरे दो बॉडीगार्ड जो बोने हैं, एक है थाटा और दूसरा उसका पापा. और वैसे सैफ, रितेश और राम कपूर के तीन तीन हमशकल है. और सुनने में आता है कि हम सबके हमशकल हैं, दुनिया में 8 हमशकल होते हैं, लेकिन इनके जो तीन हमशकल है, एक तो एकदम नॉर्मल है, दूसरे एकदम पागल है मेरी वजह से, और तीसरे एकदम गे है. हाय हाय. तो काफ़ी मज़ा आने वाला है. थैंक यू. कौन सा वाला? मम्मा मिया आई एम अ जोक, मम्मा मिया आई एम अ जोक. और एक मैसेज किसको? व्यूअर्स को. भाई भाई, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, जैसे कि मैं वोट मांग रहा हूँ, मेरी पिक्चर जरूर देखना है हम शक्ल. और जब मैं स्क्रीन पे आऊंगा, सीटियाँ तालियां भरपूर. थैंक यू.